बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का फ़ातिमा रेसिपीज़ में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ सत्तू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़े की होती हैं। तो सत्तू का पराठा बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है और इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। इसको हम रख देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप सत्तू लिया है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप भुने हुए चने को पीसकर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन डाल दिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया था, और 1 टेबल स्पून क्रश की हुई अदरक डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक हमने आटे में भी डाला है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1/2 टीस्पून से भी कम हींग डाला है, 2 हरी मिर्च इसको बारीक काट लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे, 1 लार्ज साइज की प्याज जिसको बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है, इसे डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून अचार का तेल लिया है, ये मेरा होममेड अचार है जिसको भरा मिर्चा बोला जाता है, ये मिर्चा भर कर बनता है, और ये मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ये सरसों का ही तेल होता है, और मैंने इसमें अचार का मसाला भी डाल दिया है। और इसमें हम 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। और साथ में ही हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती चॉप करके डाल देंगे और उसके बाद हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, तो हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा है। इसको हम जब इस तरह मुट्ठी से बांधें तो ये बन जाए, हमें इतना इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा भी सेट हो चुका है और अब हम एक मीडियम साइज की बॉल कितना आटा लेंगे। और उसका मैंने पेड़ा बना लिया है और इसे हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम एक इसे बेल लेंगे। ये देखिए एक छोटी पूड़ी कितना, हम इसे साइड से पतला बेलेंगे, बीच में मोटा रखेंगे। बेलने के बाद फ्रेंड्स, हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून फ्लिंग रखेंगे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम फ्लिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इस तरह से हम इसे घुमाकर प्रेस कर देंगे और थोड़ा सा हम फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। पहले थोड़ा हाथों से प्रेस करेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है जिसे अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया है। हम पराठे को एक साइड से पहले सेक लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। उसके बाद फ्रेंड, हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड हम देसी घी लगाएंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट घी में ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये मैंने घी लगा दिया है और हम इसे 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी सेकेंगे।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने 2 मिनट के बाद इसे फिर से पलट दिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसमें देसी घी लगाएंगे और हम दोनों तरफ से इसे अच्छा सा ब्राउन कलर देंगे। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमारा सत्तू का पराठा कितना अच्छा सा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखा था। ये देखिए फ्रेंड्स, सत्तू का पराठा बनकर तैयार है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। दुआ में ज़रूर याद रखिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।